आज लगभग हर सिटी में बहुत सारी IIT JEE और NEET की कोचिंग्स खुल चुकी हैं। यहाँ तक कि जो बड़ी बड़ी कोचिंग्स कोटा दिल्ली के हैं, उन्होंने भी अपने सेंटर्स लगभग पूरे ऑल ओवर इंडिया खोल दिए हैं। अब हमारे पास ऑप्शंस बहुत ज्यादा है, ये एक अच्छी चीज है, पर इसके साथ साथ जब ऑप्शंस ज्यादा होते हैं तो कंफ्यूजन भी बढ़ जाता है। अब ऐसा नहीं है कि भाई एक ही कोचिंग है बंसल कोटा सब वहां चले जाए, अब हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो आज इस वीडियो में मैं हर एक डाउट तुम्हारा क्लियर कर दूंगा कि भाई कौन सी कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए, और वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो तुम्हें कंसीडर करने चाहिए किसी भी कोचिंग को ज्वाइन करने से पहले। देखो हर एक कोचिंग अपना बेस्ट बताती है भाई, बहुत सारे रिजल्ट क्लेम करती है, पर मैं वो तुम्हें तरीके बताऊंगा, तुम इन सब चीजों जो मार्केटिंग की जितनी भी स्कीम्स है उन सबको, कोचिंग्स की जो मार्केटिंग की जो स्कीम्स है उसका पर्दा हटा के तुम सच्चाई कैसे देख सकते हो, तुम कैसे पता कर सकते हो कि कौन सी कोचिंग तुम्हारे लिए बेस्ट होगी। सो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन। पहला पॉइंट, जैसे कि हमको पता है भाई, अब पिछले कुछ सालों से लगभग सारे ही एग्जाम ऑनलाइन होने लगे हैं। अब JEE एडवांस JEE मेंस दोनों के दोनों ऑनलाइन होते हैं। तो भाई जो भी कोचिंग ज्वाइन कर रहे हो, अब तुम्हें ये देखना है कि भाई उस कोचिंग के पास कंप्यूटर बेस्ड टेक्नोलॉजी है या नहीं, मतलब उनके पास अच्छी 50-100 कंप्यूटर है या नहीं जिनपे वो तुम्हारे ऑनलाइन टेस्ट प्रैक्टिस करवाएं। अब वो पेन और पेपर वाला जमाना गया, क्योंकि कोचिंग्स में तुम्हारे जो मॉक टेस्ट होते हैं तुम्हें उनमें बिल्कुल वैसा माहौल मिलना चाहिए, वो बिल्कुल उस पैटर्न पे होने चाहिए जिस पैटर्न पे एक्चुअली IIT JEE का एग्जाम होता है। क्योंकि पुराने जमाने में जो बबलिंग वगैरह वाली गलतियां होती थी, अब वो सारी चीजें बदल चुकी हैं, तुम्हें नए तरीके से तैयारी करनी है। पॉइंट नंबर टू, केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट नहीं है, केमिस्ट्री तीन सब्जेक्ट्स हैं। तो कोशिश करो वो कोचिंग ज्वाइन करो जहां पर इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक फिजिकल तीनों केमिस्ट्री के अलग अलग स्पेशलाइज्ड फैकल्टी हो। देखो केमिस्ट्री आसान है, स्कोरिंग है, उससे सिलेक्शन होता है, पर उसमें बहुत सारा याद करना पड़ता है, बोरिंग सा भी होता है। तो तुम्हें तीनों सब्जेक्ट की, तीनों केमिस्ट्री की स्पेशलाइज्ड फैकल्टी चाहिए जो तुम्हें उस हिसाब से तैयारी करे। तुम्हें वो फैकल्टी नहीं चाहिए केमिस्ट्री में जो तुमसे कहे भाई ये बुक उठा लो, इस बुक से उठा के याद कर लो, ये कर लो, वो कर लो, फिर कोचिंग का मतलब क्या रहा। तुम्हें वो फैकल्टी चाहिए जो तुमसे बोले भाई कि मेरे जो नोट्स लिख पा रहा हूं उसके बाहर शायद ही कभी कुछ आए, वो हर एक चीज तुम्हें क्लास में ही समझा दे, याद करवा दे, तैयारी करवा दे। केमिस्ट्री बुक्स बहुत मोटी मोटी होती है, तुम उनको नहीं पढ़ सकते, तुम्हें रिसर्च नहीं करना है। अब इस तरह की फैसिलिटी तीन अलग अलग फैकल्टीज केमिस्ट्री की तुम्हें जनरली उन्हीं कोचिंग्स में मिलेगी जहां पे एटलीस्ट 2-3 हज़ार बच्चे हो, क्योंकि भाई कम बच्चों में ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अफोर्डेबल नहीं होता कोचिंग्स के लिए इतनी सारी फैकल्टीज हायर करना। कोटा में लगभग तुम्हें तीनों केमिस्ट्री के लिए अलग अलग फैकल्टीज मिलेगी, छोटी कोचिंग्स में ऐसा पॉसिबल नहीं है। थर्ड पॉइंट, ऐसी कोई भी कोचिंग ज्वाइन नहीं करना जिसका ऑनर खुद टीचर ना हो। देखो जितनी भी बड़ी बड़ी कोचिंग्स हैं इंडिया में, चाहे वो एलन हो, फिजी हो, बंसल हो, रिजोनेंस, वाइब्रेंट, आकाश, भाई सभी के ओनर टीचर्स थे, वो खुद एक जमाने में पढ़ाते थे, तो उनको पता है बच्चों को क्या चाहिए नहीं चाहिए। ये जो बिजनेस है वो एक टीचर से निकला हुआ है। अब क्या होता है, क्योंकि एक बहुत लिक्रेटिव बिजनेस है तो बहुत सारे इन्वेस्टर इसमें पैसा लगा के अपने अपने खुद के कोचिंग स्टार्ट कर देते हैं, उनको खुद टीचिंग के बारे में जीरो नॉलेज होती है। तो इस तरह की कोचिंग्स कभी भी ज्वाइन मत करना, ये कोचिंग तुम्हारे करियर के साथ खेल रही है। यहां तक कि भाई कुछ बड़े बड़े जो नेशनल ब्रांड्स हैं उन्होंने अपने सेंटर्स पूरे ऑल ओवर इंडिया खोल दिए ना, पर उनमें से कई सेंटर्स फ्रेंचाइजी होते हैं, वो फ्रेंचाइजी होते हैं ना, और फ्रेंचाइजी कोई भी ले सकता है। तो इनमें से कई फ्रेंचाइजी ऐसी होती है जो भाई बड़े बड़े बिजनेसमैन और इन्वेस्टर्स ने ली होती है। तो इस तरह की कोचिंग ज्वाइन करने से पहले भाई पूरा बैकग्राउंड चेक करना, मैं ये नहीं कह रहा कि वो नेसेसरीली खराब होंगी, पर वहां पर तुम्हें कॉशियस रहना है। फोर्थ पॉइंट, अब देखो भाई ये तो सभी को पता है कि भाई कोचिंग ज्वाइन करने से पहले हम रिजल्ट देखते हैं कि भाई उन्होंने प्रीवियस ईयर में क्या रिजल्ट्स दिए हैं, पर देखो भाई ये रिजल्ट्स बहुत ज्यादा डिस्गाइजिंग होते हैं। तो देखो मैं तुम्हें बताऊंगा, जो कोचिंग वाले जो तुम्हें रिजल्ट दिखाना चाहते हैं तुम्हें उसके थ्रू असली रिजल्ट कोचिंग का कैसे देखना है। सबसे पहली बात, कितने स्टूडेंट सिलेक्ट हुए इससे मतलब नहीं है, कितने में से कितने स्टूडेंट सिलेक्ट हुए इससे हमको मतलब है। भाई अगर मान लो दो कोचिंग है, कोचिंग ए और कोचिंग बी, कोचिंग ए में 20,000 स्टूडेंट थे जिसमें से 1,000 स्टूडेंट सिलेक्ट हो गए, मतलब हर एक 20 स्टूडेंट में से एक स्टूडेंट सिलेक्ट हुआ। कोचिंग बी मान लो इसमें से 500 स्टूडेंट थे और उसमें से 100 स्टूडेंट सिलेक्ट हो गए, तो यहां पर हर 5 में से एक स्टूडेंट सिलेक्ट हुआ है। तो इस केस में कोचिंग बी बेटर है, जबकि कोचिंग बी से सिर्फ 100 सिलेक्शंस हुए हैं और कोचिंग ए से 1,000 सिलेक्शंस हुए हैं। तो याद रखना नंबर ऑफ सिलेक्शंस नहीं, परसेंटेज नंबर ऑफ सिलेक्शन देखना है तुम्हें कि कितने में से कितने सिलेक्ट हुए। अगली बात, अब तुमने भाई देखा होगा कभी भी रिजल्ट आता है तो जो टॉप रैंक्स होती है भाई वो 2-3 कोचिंग छाप देती है, सब कोचिंग बोलती है भाई ये बच्चा हमारा, ये बच्चा हमारा, ये बच्चा हमारा है। तो ध्यान रखना है जब तुम मतलब रिजल्ट देख रहे हो तो सिर्फ वही रिजल्ट
उस कोचिंग का माना जाएगा असलियत में, जो क्लोज जो बच्चा उस कोचिंग में एक्चुअली 2-3 साल पढ़ा हुआ है, जो उस कोचिंग का क्लासरूम स्टूडेंट है। जैसे किसी स्टूडेंट ने, किसी टॉपर ने किसी कोचिंग की मान लो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली, तो वो कोचिंग भी भाई उसका नाम छाप देती है, पर वो स्टूडेंट एक्चुअली में किस कोचिंग का माना जाएगा, उसकी जो रैंक आई उसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किस कोचिंग का है जिसमें वो पढ़ा है। तो जो क्लासरूम सिलेक्शंस होते हैं वही सिर्फ रिजल्ट में काउंट करना है और बाकी नहीं करना है। अगली बात, कितनी अच्छी रैंक्स आई हैं उससे ज्यादा ध्यान हमें नंबर ऑफ सिलेक्शंस पे देना है। सिलेक्शन मतलब भाई लगभग चाहे जेई मेंस हो एडवांस हो, उसमें 20,000 के अंदर कितने बच्चे आए। देखो जो रैंक्स होती है ना वो बहुत ज्यादा हद तक स्टूडेंट पे डिपेंड करती है। तो जस्ट बिकॉज किसी कोचिंग ने भाई आज तक कोई रिजल्ट नहीं आता एकदम से उसकी ने एक रैंक निकाल दी अंडर 100, इसका मतलब ये नहीं है वो कोचिंग अच्छी हो गई। तो भाई नंबर ऑफ सिलेक्शंस पे ज्यादा ध्यान देना है एज कंपेयर टू रैंक्स। अगली बात भाई, जब आप रिजल्ट देख रहे हो तो सिर्फ एक साल के रिजल्ट से कुछ नहीं होता कि भाई इस कोचिंग ने इस साल इतनी अच्छी रैंक दे दी, इतना अच्छा, इतने सारे सिलेक्शन दे दिए। भाई हमको भाई परफॉर्मेंस में कंसिस्टेंसी देखनी है। पिछले 4-5 साल का रिजल्ट चेक करो, क्या वो कंटिन्यूअसली अच्छा परफॉर्म कर रही है नहीं कर रही है, फिर एक साल की अच्छा टीचर उनके क्योंकि पास आ गया, कोई टीम आ गई इसलिए उन्होंने अच्छा रिजल्ट दे दिया, हो सकता है अगले साल वो चले जाएं, बहुत से रीजन हो सकते हैं। तो हमको रिजल्ट में कंसिस्टेंसी भी देखनी है। फिफ्थ पॉइंट, अगर भाई तुम कोई नेशनल ब्रांड की है ना, नेशनल लेवल की कोचिंग ज्वाइन करने जा रहे हो, जैसे कि भाई एलएन फिटजी रेजोनेंस आकाश वगैरह कोई भी हो सकती है। अब मान लो भाई तुम्हारी सिटी में ये चारों की चार, अब मान लो तुम्हारी सिटी में ऐसे 4-5 ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो नेशनल लेवल की कोचिंग है, तो अब तुम्हें कौन सी कोचिंग डिसाइड करनी है तुम्हारी सिटी पे, इसके लिए तुम उनका नेशनल लेवल का परफॉर्मेंस मत देखो। तुम ये मत देखो कि भाई एलएन ने ओवरऑल पूरे इंडिया से कितने सिलेक्शन दिए, फिटजी ने कितने सिलेक्शन दिए, क्योंकि देखो हर एक सेंटर अलग होता है। तो तुम जिस भी सिटी में रह रहे हो उस सिटी में भाई एलएन के सेंटर ने कितने सिलेक्शंस दिए, फिटजी ने कितने दिए, आकाश ने कितने दिए, रिजोनेंस ने कितने दिए, इससे तुमको पता चलेगा कि भाई तुम्हारी सिटी में सबसे अच्छा परफॉर्म कौन सी कोचिंग कर रही है, सबसे अच्छे टीचर किसके पास है, सबसे अच्छा सिस्टम किस कोचिंग के पास है। तो वो कोचिंग नेशनल लेवल पे क्या कर रही है उससे तुमको मतलब नहीं है, वो तुम्हारी सिटी में कैसा परफॉर्मेंस दे रही है तुम्हें उससे मतलब है। सिक्स्थ पॉइंट,